तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर, स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक ऐप पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम मल्टीवर्स टूर्नामेंट के यूनिवर्स 3 की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसमें बारडॉक फ्यूचर देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि फ्रीजर का क्या प्लान है, और उसे रोकने के लिए वो वापस अपने प्लैनेट वेजिटा पर जाता है। जिसने इस वीडियो को फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, उसे मैं यही रिकमेंड करूंगा कि पहले फर्स्ट पार्ट देख ले, वरना उनको आज की स्टोरी समझ नहीं आएगी। इस वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक आपको ऊपर कार्ड्स में मिल जाएगा, तो जल्दी से जाइए और फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों का शेयर भी जरूर कीजिएगा, और फ्यूचर में भी ऐसी ही स्टोरीज पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए अपनी स्टोरी पर आते हैं। बारडॉक अपनी पूरी टीम को ऑर्डर देता है कि हम वापस प्लैनेट वेजिटा पर जा रहे हैं। प्लैनेट वेजिटा पर किसी को भी अंदाजा नहीं होता कि आखिर उनके साथ क्या होने वाला है। किंग वेजिटा की एक मीटिंग चल रही होती है, जिसमें वो ब्रोली पर फैसला सुना रहा होता है। किंग वेजिटा बोलता है कि तुम सभी लोगों को पता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। लेजेंडरी सैयन सभी के लिए खतरा होता है, और ये बच्चा जरूर लेजेंडरी सुपर सैयन है। आखिरी लेजेंडरी सैयन 1000 साल पहले आया था, और इतनी ताकत एक बच्चे में होना ये चीज़ नॉर्मल नहीं है। हमें इस बच्चे को ख़त्म करना ही होगा। तभी ब्रोली का फादर पैरेगस वहाँ पे आ जाता है। पैरेगस बोलता है कि किंग वेजिटा, प्लीज़ मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, मेरा बेटा प्रिंस वेजिटा को सर्व करेगा और एक बहुत ही महान वॉरियर बनेगा। किंग वेजिटा बोलता है कि इसीलिए उसे ख़त्म करना ज़रूरी है। पर तभी वहाँ पे बारडॉक आ जाता है। बारडॉक किंग वेजिटा से बोलता है कि किंग वेजिटा, हमारे प्लैनेट पे कुछ बहुत ही खतरनाक होने वाला है। किंग वेजिटा बारडॉक से बोलता है कि बारडॉक, तुम्हें क्या चाहिए। बारडॉक बोलता है कि किंग वेजिटा, फ्रीजर हमारे प्लैनेट पे आने वाला है और वो हम सभी को ख़त्म कर देगा। किंग वेजिटा और बारडॉक की टीम को विश्वास ही नहीं होता कि बारडॉक क्या बोल रहा है। सभी के सभी लोग उस पर हंसने लग जाते हैं। बारडॉक बोलता है कि मुझे पता था कि मेरे पे कोई विश्वास नहीं करेगा, अगर किसी ने मेरे से ऐसी बात करी होती तो मैं भी उस पर विश्वास नहीं करता। पर सब चुप हो जाओ, सैयंस अपने किंग को फॉलो करते हैं, तो मुझे बस किंग वेजिटा को ही मनाना है। तभी उसे दोबारा से विजन आने लग जाती है कि फ्रीजा अभी भी उसके प्लान को ख़त्म कर देगा। बारडॉक बोलता है कि नहीं, ये सही रास्ता नहीं है। इसके बाद बारडॉक किंग वेजिटा को चैलेंज करता है। बारडॉक बोलता है कि सैयन ट्रेडिशन के हिसाब से मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ और मैं तुम्हारी जगह किंग बन के ही रहूँगा। किंग वेजिटा और बाकी सभी सैयंस ये सुनकर हैरान रह जाते हैं। बारडॉक बोलता है कि तुम किंग बस इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे पूर्वजों ने हमारे को टफल से आज़ाद करवाया था, पर किंग हमेशा वो होता है जो सबसे ताकतवर हो। गर्किन नाम का एक सैयन बारडॉक से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें किंग वेजिटा तक पहुँचने के लिए मेरे से लड़ना होगा। बारडॉक बोलता है कि गर्किन, मैंने तुम्हें चैलेंज नहीं किया है, मैंने किंग को चैलेंज किया है। दूसरे सैयंस आपस में बात करने लग जाते हैं। वो बोलते हैं, वैसे भी बारडॉक गर्किन को नहीं हरा सकता, अगर बारडॉक जीत भी गया तो ज़्यादा दिन तक किंग नहीं रहेगा। एक दूसरा सैयन बोलता है कि अगर मुझे पता होता कि किंग को चैलेंज किया जा सकता है तो मैंने उसे कब का चैलेंज कर दिया होता। किंग वेजिटा बोलता है कि बारडॉक, मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, वैसे भी मुझे एक लो क्लास वॉरियर नहीं हरा सकता। किंग वेजिटा ये बोलते बोलते बारडॉक पे हमला कर देता है, पर बारडॉक किंग वेजिटा के पंच को बड़े आराम से रोक लेता है और उसे खिंचा के एक पंच मारता है। किंग वेजिटा को गुस्सा आने लग जाता है। वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वो उड़ के एकदम से बारडॉक पे हमला करता है, पर बारडॉक उसके अटैक को बड़े आराम से डिफ्लेक्ट कर देता है। किंग वेजिटा अचानक से ही बारडॉक को जोरदार गुस्सा मारता है, पर बारडॉक अभी भी किंग वेजिटा का सामना कर रहा होता है। किंग वेजिटा बोलता है कि बारडॉक, अब मुझे समझ आ रहा है कि तुम्हें एलीट की तरह क्यों ट्रीट किया जाता है। बारडॉक बोलता है कि तुम बेवकूफ़ हो, जब तुम बैठकर आराम कर रहे थे तब मैं दूसरी दुनियाओं में जाके लड़ रहा था और अपनी ताकत को बढ़ा रहा था, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ। इसके बाद बारडॉक किंग वेजिटा पर एक की ब्लास्ट करता है। किंग वेजिटा इस अटैक से बच जाता है और ख़ुद को उजारू में बदलने वाला होता है, पर तभी बारडॉक बोलता है कि इस लड़ाई को ख़त्म करने का समय आ गया है। जैसे ही किंग वेजिटा ऐसा करने वाला होता है, वैसे ही बारडॉक उड़ के जाता है और एकदम से खिंचा के वेजिटा को गुस्सा मारता है। बारडॉक फिर से किंग वेजिटा के पास जाता है और उसकी पीठ पे एक ज़ोरदार ब्लास्ट करता है, जिससे किंग वेजिटा बेहोश हो जाता है, और अब बारडॉक जीत चुका है। बारडॉक वेजिटा के गले से किंग वाला मेडलिन छीन लेता है। बारडॉक की जीत के बाद बारडॉक के दोस्त उसे किंग बुलाने लग जाते हैं। गर्किन एकदम से बारडॉक को चैलेंज कर देता है। बारडॉक बोलता है कि मुझे तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट है, पर ट्रेडिशन के हिसाब से मेरे पास एक हफ्ता है आराम करने के लिए, हम उसके बाद लड़ेंगे। बारडॉक बोलता है कि सब मेरी बात सुनो, मेरे ऑर्डर्स थोड़े अजीब लगेंगे, पर तुम सबको मेरी बात माननी होगी, हो सकता है मैं गलत हूँ, अगर मैं गलत निकला तो तुम लोग मेरी गद्दी छीन के मुझे मार सकते हो, पर इस वक्त मैं किसी भी गलती को बर्दाश्त नहीं करूँगा। सबसे पहले फ्रीजा को पता नहीं चलना चाहिए कि अब मैं राजा बन चुका हूँ। दूसरा, हम फ्रीजा के सभी आदमियों को पकड़ के उन्हें मार देंगे। हम जो अगले कुछ दिनों में करने वाले हैं, इसके बारे में फ्रीजा को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। बारडॉक के ऑर्डर्स को सब फॉलो करते हैं और सैयंस की आज़ादी की लड़ाई शुरू हो जाती है। ऑफिशियली फ्रीजा तक कोई भी खबर नहीं पहुँचती, और बारडॉक प्लैनेट के सबसे ताकतवर सैयंस को अपने पास बुलाता है। बारडॉक इस मीटिंग में बोलता है कि ये फ्रीजा का अंत है। बारडॉक सभी को अपना प्लान बताता है कि उन सभी को यहाँ पर क्यों बुलाया गया है।
एक्स किंग वेजिटा भी बार्डॉक की मदद करता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर फ्रीजर को इस बारे में पता चल गया तो सभी साइंस मारे जाएंगे। इसीलिए जो साइंस बार्डॉक की बात नहीं मानना चाहते थे वो भी बार्डॉक की बात मान रहे थे। आखिरकार वो रात आ जाती है जिसके बारे में बार्डॉक ने बताया था। सभी साइंस एक जगह पर इकट्ठे होते हैं। हैनेसाई बार्डॉक से बोलती है कि अगर फ्रीजर नहीं आया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। बार्डॉक बोलता है कि तुम्हें गर्किन के बाद आना होगा, गर्किन मुझे पहले ही चैलेंज कर चुका है। पैरागस बार्डॉक को थैंक्स बोलता है क्योंकि उसने भ्रोली को छोड़ दिया था। बार्डॉक बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ कि वो क्या बनने वाला है और हमें उसकी ताकत की ज़रूरत पड़ेगी। एक दूसरा सैयन आता है और बोलता है कि लॉर्ड फ्रीजा आ गए हैं। बार्डॉक हैनेसाई को देखता है और बोलता है कि देखा, फ्रीजा आ गया है, मैं सही था। हैनेसाई बोलती है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो बिना बताए आ गया, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो हमारे को मारेगा। बार्डॉक बोलता है कि वैसे भी उस बात से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम उस पर पहले हमला करेंगे। हैनेसाई, क्या तुम उसकी शिप को रोक पाओगी? वो किसी भी तरीके से भागना नहीं चाहिए। हैनेसाई बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम सबसे ताकतवर सैयन से बात कर रहे हो। गर्किन बोलता है कि तुम सबसे ताकतवर सैयन नहीं हो, हमारी लड़ाई में मैंने तुम्हें हराया था। हैनेसाई बोलती है कि उस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी। गर्किन बोलता है कि तुम बस एक्सक्यूज बना रही हो। इसके बाद हैनेसाई फ्रीजा की शिप पर अटैक कर देती है और बार्डॉक बचे हुए सभी सैयन्स को ऑर्डर देता है कि वो औजारों में बदल जाएं। इसके बाद सभी सैयन्स फेक मून बना रहे होते हैं। बार्डॉक तीन सैयन्स को ऑर्डर देता है कि तुम तीनों नीचे रुको और जैसे ही कोई फेक मून डिस्ट्रॉय हुए तुम एक और फेक मून बना देना। वो सैयन बोलते हैं कि ये प्लान तो डरपोकों के लिए है। बार्डॉक बोलता है कि ये तुम्हारे किंग का प्लान है और अगर तुम अपने किंग की बात नहीं मानोगे तो वो तुम्हें पीट देगा। इसके बाद सैयन्स फ्रीजा की शिप की तरफ बढ़ रहे होते हैं और बढ़ते बढ़ते वो सभी औजारों में बदलने लग जाते हैं। फ्रीजा के सोल्जर्स देखते हैं कि औजारों की एक पूरी की पूरी फौज उनकी तरफ बढ़ रही है और वो डरने लग जाते हैं। डडोरिया को तो इस चीज़ पर विश्वास ही नहीं हो रहा होता। हैनेसाई फ्रीजा की शिप के भारी होती है। वो बोलती है कि मैंने सुना है कि फ्रीजा की शिप पे बहुत ही ताकतवर शील्ड्स हैं, चलो देखते हैं कि वो क्या कर सकती हैं। हैनेसाई फ्रीजा की शिप पे अटैक करने लग जाती है और उसकी शील्ड को तोड़ने की कोशिश कर रही होती है, पर वो फ्रीजा की शील्ड को नहीं तोड़ पा रही होती। इसीलिए वो अपना प्लान चेंज कर देती है और शिप के पास जाती है और घुसा मार के उसकी शिप को तोड़ देती है। वो सक्सेसफुली शिप के अंदर घुस जाती है। फ्रीजा सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि सब बाहर जाओ और इन बंदरों से लड़ो। एक सोल्जर बोलता है कि पर हम औजारों के खिलाफ नहीं लड़ पाएंगे और फ्रीजा उसकी गर्दन उड़ा देता है। दूसरा सोल्जर चुपचाप बाहर चला जाता है और औजारों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। हैनेसाई के सामने एकदम से डडोरिया आ जाता है। डडोरिया बोलता है कि तुम हैनेसाई हो ना, यानी सैयन एलीट। हैनेसाई बोलती है क्या तुम मेरे फैन हो? डडोरिया बोलता है कि नहीं, वैसे नहीं, अब तुम मरो। इसके बाद डडोरिया एकदम से हैनेसाई पर अटैक कर देता है और हैनेसाई उसके अटैक से बच के एकदम से डडोरिया पर हमला कर देती है। हैनेसाई डडोरिया को कूसा मारती है। डडोरिया को उसके अटैक से कोई फर्क नहीं पड़ता। डडोरिया बोलता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे हरा दोगी? तुम्हारा पावर लेवल 12,000 है और मेरा पावर लेवल 22,000 है, तुम मेरे सामने कभी नहीं टिक पाओगी। हैनेसाई अपने आप को छुड़ाने के लिए डडोरिया पे एकदम से माउथ बीम का अटैक करती है। फ्रीजा का एक सोल्जर बताता है कि उनकी आर्मी औजारों की आर्मी से टकराई थी और पहले ही अटैक में 94% सोल्जर्स मारे जा चुके हैं। औजारों की पूरी आर्मी फ्रीजा की शिप के बाहर होती है। सब बोल रहे होते हैं कि फ्रीजा बाहर आओ। एक औजारू दूसरे औजारू से बोलता है कि हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं। एक दूसरा औजारू बोलता है या तो हैनेसाई के शील्ड को तोड़ने का या फिर फ्रीजा के बाहर आने का, अगर उसने जल्दी नहीं किया तो हमारी हवा ख़त्म हो जाएगी। जारवान फ्रीजा को बोलता है कि ये लोग ट्रांसफॉर्म होकर हम पर हमला कर रहे हैं, ये हमारे बुरे से भी बुरा सिनेरियो है। फ्रीजा बोलता है कि हाँ, अब इन बंदरों को मैं मजा चखाऊंगा, अब मैं अपने असली फॉर्म में आऊँगा। डडोरिया अभी भी हैनेसाई के अटैक से उभरा नहीं होता है। डडोरिया हैनेसाई को देख रहा होता है और बोलता है कि अब तुम मरने वाली हो। हैनेसाई बोलती है कि बाहर का व्यू बहुत अच्छा है और यहाँ से मैं अपना प्लैनेट भी देख सकती हूँ और उसके साथ साथ मून्स भी। ये बोलते बोलते हैनेसाई ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाती है और एकदम से उजारूम बदल जाती है, जिसके साथ ही वो फ्रीजा की शिप को भी तबाह कर देती है। फ्रीजा समझ जाता है कि उसकी शिप तबाह होने वाली है। फ्रीजा ट्रांसफॉर्म होना शुरू कर देता है। हैनेसाई बाकी औजारों उसके पास जाती है और वो सारे मिलके एकदम से एक अटैक बनाने लग जाते हैं और सभी मिलके फ्रीजा पर अटैक करते हैं। सभी के अटैक एक साथ मिल रहे होते हैं और एक बहुत ही बड़ा अटैक बन रहा होता है। फ्रीजा दूसरी तरफ ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है पर जारवान ये सब कुछ देख रहा होता है और वो समझ जाता है कि इतने बड़े अटैक को वो सब मिलके भी झेल नहीं पाएंगे, ना ही फ्रीजा और ना ही जारवान। एकदम से वो अटैक शिप तक पहुंच जाता है और फ्रीजा और जारवान और बाकी सभी लोग जो शिप पे थे वो सभी ख़त्म हो जाते हैं। सभी औजारूस खुश हो रहे होते हैं कि उन्होंने फ्रीजा को हरा दिया है और किंग बार्डॉक के लिए चीयर कर रहे होते हैं। इन सब चीज़ों के बाद हैनेसाई बार्डॉक से बात कर रही होती है। वो बोलती है कि किंग बार्डॉक, हमारे छोटे बेटे की ताकत 1 से 12 हो गई है, वो भी थोड़ी सी ही ट्रेनिंग से।
वो कुछ ही सालों में धरती पर सभी को ख़त्म कर देगा। बारडॉक बोलता है कि नहीं, अब हम फ्रीजर का कोई भी मेथड इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम एक दिन धरती पर अटैक ज़रूर करेंगे और बाकी प्लैनेट्स पे भी, स्पेशली फ्रीजर के प्लैनेट्स पे। और अब साइयंस किसी से भी ऑर्डर नहीं लेंगे, वो ऑर्डर्स देंगे। तो इसी तरीके से साइयंस का राज इस गैलेक्सी में शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, आज का ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों का शेयर भी जरूर कीजिएगा। और आगे भी ऐसी ही वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अगर आपके पास कोई वीडियो आइडिया हो या फिर कोई मांगा का आइडिया हो तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।